बीसीसीएल सिजवा एरिया 5 के मोडी डी कोलेरी के डंप में कार्यरत संगठित मजदूरों ने सिजवा स्टेडियम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस आयोजन में सैकड़ों मजदूरों ने भाग लिया। वहीं वक्ताओं ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय नेता और बिचौलियों ने मिलकर मजदूरों को ठगने का काम किया। प्रत्येक बार मजदूरों को मोहरा बनाकर शोषण किया जाता है। तिथलुमुड़ी कोल डंप से असंगठित मजदूरों का मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, बल्कि नेता और बिचौलियों द्वारा आश्वासन ही मिला है और कुछ नहीं। यदि मजदूरों का बकाया पैसा नहीं मिला तो तिथलुमुड़ी कोल डंप और जोगता कोल डंप का चक्का जाम किया जाएगा। बताएं आज किसी क्या मुख्य कारण? आज का मुख्य कारण यही है कि जो जोगता कंकनी तिथलुमुड़ी में कोल डंप चल रही है और यहाँ का जो बेरोजगार है, आपका असंगठित मजदूर जो है, उसका रोजगार भी नहीं मिल पा रहा और न उसका वेतन मिल पा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि उसका जो बनता पैसा वो मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। किस तरह रोजगार की मांग कर रहे हैं? लोडिंग के लिए, गाड़ी लोड करने के लिए। किस आउटसोर्सिंग में? नहीं, ये कॉल लग गया आपका। सवाल है सर कि यहाँ के कुछ नेता और दलाल मिल करके सिजवा के क्षेत्र के युवाओं को बेवकूफ़ बना करके आपस में लड़वा रही है और अपने रोटी सेक रही है। तिथलुमुड़ी डंप में कुछ दिन पहले वार्ता हुई थी और स्थानीय से मजदूर लोग बैठे थे हम लोग वहाँ। कुछ दलाल लोग, नेता के दलाल लोग अचानक आंदोलन को बेच करके और स्थगित कर दिया गया। उसके बाद यहाँ के मजदूरों लोग को उस पैसा का क्या हुआ नहीं हुआ कोई हिसाब नहीं है और आज तक मजदूर का पैसा नहीं मिला। बताइए क्या उद्देश्य आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मुख्य उद्देश्य यही है कि जोगता साइडिंग और तिथलुमुड़ी साइडिंग, ये दोनों जगह काम भी हो रही है, मजदूर का पैसा भी नहीं मिल रहा। और यहाँ तिथलुमुड़ी में तो एक दो बार मिला भी, चार बार, लेकिन जोगता में एकदम नहीं मिला। पैसा कौन देता है जोगता में? जोगता में कहाँ कोई नहीं दे रहा, ना रोजगार दे रहा है ना पैसा दे रहा है। किस प्रकार का रोजगार? हम चाहते हैं कि जो बिल्डोजर से जो हो रहा है वो मजदूर अपना काम करके ले पैसा।